तो गाइस आज मैं बनाने वाला हूँ अपने इस माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर अपना खुद का एक जायंट स्टैचू। क्योंकि गाइस आज का ये वाला एपिसोड होने वाला हमारे इस माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज का 50 एपिसोड। तो गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना इस वाले एपिसोड में कुछ यहाँ पे क्रेजी सा बिल्ड किया जाए। गाइस इसीलिए आज मैं यहाँ पे जायंट स्टैचू बना रहा था। गाइस मैं जो अपनी इस माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज के 50 डेज को यहाँ पे जो सेलिब्रेट कर सकूं। एंड गाइस थैंक यू जिन जिन लोगों ने भी गाइस इन 50 एपिसोड में मेरे को यहाँ पे सपोर्ट किया, उनके लिए दिल से थैंक यू। एंड गाइस अगर आप लोगों को आज की वाली वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड गाइस जो लोग चैनल पे न्यू हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना एंड एंजॉय दिस। तो गाइस अपने खुद के जायंट स्टैचू को बनाने के लिए गाइस सबसे पहले मेरे को जो काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो ब्लॉक्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे स्किन में जो ना काफी ज्यादा अलग अलग कलर के यहाँ पे ब्लॉक्स का यूज है। तो गाइस अभी मैं डायरेक्टली जाने वाला हूँ उस वाली लोकेशन पे सारे के सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट करने के लिए। सारे के सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करने से पहले गाइस मैं जो गाइस आपको वाली लोकेशन दिखा देता हूँ जहाँ पे मैं अपने यहाँ पे स्टैचू को बिल्ड करने वाला हूँ। तो गाइस मैं जो ना अपने स्टैचू को यहाँ पे टेंपल ऑफ शाउटआउट के बगल में यहाँ पे बिल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि ये वाली लोकेशन है हमारे स्टैचू के लिए बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट होने वाली है। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे लोकेशन को तो फिक्स कर लिया जहाँ पे अपने मैं उस जायंट स्टैचू को बनाने वाला हूँ। बट गाइस अभी मैं यहाँ से डायरेक्टली जाने वाला हूँ अपने टेराकोटा वाली बायो में, जहाँ पे जाके गाइस मेरे को जो यहाँ पे 2 से 3 टाइप के टेराकोटा ब्लॉक्स के यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है अपने स्टैचू को बनाने के लिए। तो गाइस चलते हैं फटाफट से उस वाली बायो में, वहां पे जाके मैं कलेक्ट करता हूँ काफी ज्यादा टेराकोटा। A few moments later. तो फाइनली गाइस जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो गाइस मैं जो उस वाली बायो में यहाँ पे फाइनली पहुंच चुका हूँ। यहाँ से मेरे को जो है ये व्हाइट वाला टेराकोटा लेके जाना है। एंड गाइस साथ ही साथ मैं जो यहाँ से 2 से 3 टाइप के और टेराकोटा को लेके जाने वाला जो कि गाइस हमारे यहाँ पे जायंट स्टैचू को बनाने में यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। एंड गाइस देखो यहाँ से मैं जो ना काफी ज्यादा कैक्टस को भी लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी जो स्किन है यहाँ पे लाइम ग्रीन कलर की। एंड गाइस कैक्टस से यहाँ पे जो है मैं लाइम ग्रीन कलर की डाई को बना सकता हूँ। तो अभी गाइस मैं फाइनली उस वाली लोकेशन पे तो यहाँ पे आ चुका हूँ। गाइस अभी फटाफट से मैं जो है यहाँ से ब्लॉक्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। देन गाइस उसके बाद मैं जो वापस से अपने यहाँ पे घर पे जाके उस वाले स्टैचू को यहाँ पे बिल्ड करना स्टार्ट करूंगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पे माइनिंग करता हूँ, मिलता हूँ आपको 2 मिनट में। A few inches later. तो फाइनली गाइस थोड़ी सी देर में मैंने कहा जितने भी मेरे को यहाँ पे ब्लॉक्स की जरूरत थी गाइस मैंने सारे के सारे यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। एंड गाइस अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने डायरेक्टली अपने घर पे। एंड गाइस वहाँ पे जाके मेरे को जो ना थोड़ा बहुत गाइस यहाँ पे वूल वगैरह भी अपने यहाँ पे वूल फार्म से कलेक्ट करना है। देन गाइस उसके बाद मैं अपने यहाँ पे जायंट स्टैचू को बिल्ड करना स्टार्ट करूंगा। 12 seconds later. तो फाइनली गाइस अभी मैंने जो है सारा का सारा टेराकोटा यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। एंड गाइस अभी मेरे को जो ना थोड़ा बहुत यहाँ से वूल भी अपने यहाँ पे वूल फार्म पे जाके मैं यहाँ पे कलेक्ट करने वाला हूँ। एंड गाइस साथ ही साथ मेरे को जो काफी ज्यादा कंक्रीट को भी यहाँ पे क्राफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी स्किन में गाइस काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के यहाँ पे ब्लॉक्स का, जिसकी वजह से गाइस मेरे को जो यहाँ पे कंक्रीट की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो गाइस फटाफट से मैं जो ना सारा का सारा गाइस बचे हुए मटेरियल्स गाइस जितने भी मेरे को यहाँ पे जरूरत है उसको यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ। गाइस मिलता हूँ आपको थोड़ी सी देर में। थोड़ी बहुत एरिया को यहाँ पे फ्लैट करना पड़ेगा ताकि हमारा स्टैचू यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया लगे। तो गाइस मैं फटाफट से गाइस थोड़े से एरिया का जितने भी मेरे को यहाँ पे जरूरत है उसको यहाँ पे फ्लैट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने जायंट स्टैचू को बिल्ड करना यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। A few moments later. तो फाइनल गाइस जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो गाइस मैंने जो थोड़ी सी देर में यहाँ पे पूरे के पूरे एरिया को यहाँ पे फ्लैट कर दिया है। एंड गाइस अब मैं जो यहाँ पे इजीली अपने जायंट स्टैचू को बिल्ड करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े एरिया को यहाँ पे फ्लैट तो कर दिया। एंड गाइस अभी मेरे को जो है यहाँ पे छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाना जो कि मैं यहाँ पे पूरा गोल्ड का बनाने वाला हूँ। देन गाइस उसके ऊपर मैं यहाँ पे अपने जायंट स्टैचू को बिल्ड करूंगा। तो गाइस अपने स्टैचू को बनाने से पहले गाइस मैं जो यहाँ पे बढ़िया सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाने वाला हूँ, जिसकी वजह से गाइस मेरा जो यहाँ पे स्टैचू है जो और भी ज्यादा यहाँ पे तगड़ा लगने लगेगा। इसके लिए गाइस मैं यहाँ पे जो है काफी ज्यादा ब्लैक स्टोन की स्टेयर है। साथ ही साथ मैं जो यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक्स का यूज करने वाला जो गाइस इस वाले प्लेटफॉर्म का और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़िया बना देंगे। तो फटाफट गाइस मैं जो है छोटा सा प्लेटफॉर्म पहले यहाँ पे रेडी कर देता हूँ। तो गाइस देखो मैंने यहाँ पे गाइस इस तरीके से यहाँ पे स्टेयर को तो लगा दिया। गाइस इसके बाद गाइस जो मैं इसके यहाँ पे ऊपर वाली लेयर है वहां पे जो मैं प्रॉपर यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक्स का यूज करने वाला, क्योंकि मेरे पे जो है इतना ज्यादा बड़ा गोल्ड फार्म है। एंड गाइस मेरे को जो है वहां से काफी ज्यादा गोल्ड मिल जाता है। इसकी वजह से हमारे जो गाइस यहाँ पे स्टैचू का जो प्लेटफॉर्म है इसकी लुक जो और भी ज्यादा यहाँ पे तगड़ी हो जाएगी। तो गाइस अभी फटाफट से गाइस मेरे पे जो यहाँ पे इतना भी गोल्ड है मैं सारा का सारा जो है ये अपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म को बनाने में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। एंड गाइस इसकी वजह से गाइस मेरा जो यहाँ पे स्टैचू ना भाई काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़िया लगने लगेगा। तो फटाफट से मैं जो है पूरा का पूरा गोल्ड का एक प्लेटफॉर्म को यहाँ पे रेडी कर देता हूँ। देन गाइस उसके बाद मैं जो अपने यहाँ पे जायंट स्टैचू को बिल्ड करना यहाँ पे स्टार्ट करूंगा।
A few moments later. तो फाइनली गाइस मैंने जो यहाँ पे थोड़ी सी देर में एक बड़ा सा गोल्ड का प्लेटफॉर्म तो भाई साहब यहाँ पे रेडी कर दिया गाइस, इसको देखो यार, ये देखने में कितना ज्यादा यहाँ पे ऑसम लग रहा है। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे फाइनली एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे अपने स्टैचू के लिए यहाँ पे बना दिया गाइस। देखो भाई साहब ये पूरा का पूरा यहाँ पे गोल्ड का मैंने बनाया है एंड गाइस इसको जो है ना मैंने सिर्फ और सिर्फ गाइस ऊपर वाली लेयर पे यहाँ पे गोल्ड लगाया, क्योंकि मेरे पे जो ना इतना ज्यादा यहाँ पे गोल्ड नहीं था, क्योंकि मैं जो है अपने उस वाले फार्म में ज्यादा एफके नहीं बैठा। बट गाइस फिर भी यार ये देखो यार, ये देखने में कितना ज्यादा यहाँ पे बढ़िया सा लग रहा है। तो गाइस अभी मैं जो है यहाँ पे अपने जायंट स्टैचू को यहाँ पे बिल्ड करने वाला, बट गाइस उससे पहले यहाँ पे गाइस मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे एक हीरो ब्राइन का फेस। एंड गाइस आप लोग सोच रहे होंगे गाइस कि मैं यहाँ पे हीरो ब्राइन को क्यों बना रहा हूँ, तो गाइस आप जो है गाइस वीडियो का एंड तक देखना भाई साहब, यहाँ पे जो गाइस मैं यहाँ पे स्टैचू बनाऊंगा ना वो भाई साहब देखने में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तगड़ा लगने वाला है। A few inches later. तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे गाइस एक हीरो ब्रांड के फेस को तो बना दिया गाइस, जिसको देखो भाई साहब देखने में कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड गाइस अभी मैं फटाफट से पहले जो ना इसके यहाँ पे हेयर्स को बना देता हूँ, फिर ये जो और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़िया लगेगा। उससे पहले मैं जो ना गाइस इस हीरो ब्रांड के फेस के गाइस यहाँ पे जो हेयर्स को भी यहाँ पे बना देता हूँ, देन गाइस उसके बाद मैं आपको जो इसके यहाँ पे लुक को दिखाऊंगा। एंड गाइस इसकी वजह से ना गाइस हमारा जो स्टैचू ना भाई साहब वो देखने में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तगड़ा लगने वाला है। तो फटाफट गाइस सबसे पहले मैं जो ना गाइस पूरे के पूरे स्टैचू को यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखो इसका फेस तो भाई साहब बिल्कुल गाइस किसी यहाँ पे हीरो ब्रांड जैसा लग रहा है। एंड गाइस इसीलिए मैं जो ना गाइस यहां पे काफी ज्यादा ब्लॉक्स को इकट्ठा करता हूं। एंड गाइस अभी मैं जो ना इसका पहले पूरे के पूरे हेड को यहां पे कंप्लीट कर देता हूं, देन गाइस उसके बाद आपको इसके फाइनल लुक यहां पे दिखाता हूं। A few moments later. तो गाइस फाइनली तुम्हारे भाई ने गाइस यहां पे थोड़ी सी देर में भाई साहब काफी ज्यादा तगड़ा तगड़ा एक हीरो ब्रांड का हेड यहां पे फिलहाल के लिए बना दिया है। एंड गाइस ये देखने भाई साहब बिल्कुल एक हीरो ब्रांड के फेस जैसा लग रहा है। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए गाइस मैंने जो है पूरे के पूरे हीरो ब्रांड के हेड को तो यहां पे बना दिया। एंड गाइस ये जो ना देखने भाई साहब काफी ज्यादा यहां पे अच्छा लग रहा है। एंड गाइस अभी मैं जो ना गाइस अपने यहां पे मेन स्टैचू को बनाना यहां पे स्टार्ट करूंगा, देन गाइस उसके बाद जो है ना गाइस आप जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखना, ये जो देखने भाई साहब कितना ज्यादा यहां पे अच्छा लगने वाला है। एंड गाइस फिलहाल के लिए भाई साहब ये जो यहां पे हीरो ब्रांड का हेड है गाइस ये भी देखने में कुछ यहाँ पे कम नहीं लग रहा है। तो भाई साहब गाइस देखो यार कितना ज्यादा सही लग रहा है। अभी मैं जो ना इसके ऊपर गाइस अपना यहाँ पे स्टैचू को एक यहाँ पे लेग को बनाने वाला हूँ। आप कह रहूंगा कि मैं जो इसके यहाँ पे हेड के ऊपर यहाँ पे लेग क्यों बना रहा हूँ, तो गाइस आप जो ना इसके यहाँ पे फाइनल लुक देखना भाई साहब, ये जो ना काफी ज्यादा सही लगा। गाइस देखो मेरे जो गाइस यहाँ पे लेग है ना गाइस, यानी गाइस जो मेरे यहाँ पे शूज है वो भी गाइस कुछ यहाँ पे गाइस यहाँ पे व्हाइट एंड ग्रीन कलर का। एंड गाइस मैं जो बिल्कुल सेम गाइस इस पूरे के पूरे स्टैचू को बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे बनाने वाला हूँ। A few inches later. तो finally guys अभी मैंने guys अपने giant statue को एक side की leg को तो guys यहाँ पे complete कर लिया। भाई साहब देखो guys ये देखने में कितना ज़्यादा यहाँ पे सही लग रहा है। guys ऐसी तरीके से मेरे को जो ना इसके यहाँ पे दूसरी वाली leg को भी यहाँ पे बनाना है। then guys इसके बाद मैं जो अपने यहाँ पे main body को बनाना यहाँ पे start करूँगा। guys इसको जो ना guys मैंने जो hero brand के head के ऊपर यहाँ पे अपनी leg को बना दिया है। and guys अगर ये चीज भाई साहब अगर hero brand ने guys यहाँ पे देख लिया तो guys वो जो ना मेरे को यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरीके से मेरे वर्ल्ड में आके मारने वाला है। तू तो गया बेटे। A few moments later. गाइस अभी मैंने जो ना गाइस इसके दोनों के दोनों लेग्स को यहाँ पे बना दिया। गाइस इसको देखो भाई साहब कितना ज्यादा रियलिस्टिक गाइस ये लग रहा है। गाइस प्रॉपर गाइस मेरी जो स्किन से यहाँ पे ये मैच कर रहा है। एंड गाइस अभी मैं जो ना गाइस इसके ऊपर यहाँ पे अपनी मेन बॉडी को यहाँ पे बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ। देन गाइस इसकी जो ना आप यहाँ पे फाइनल लुक देखना भाई साहब, देखने में कितना ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। तो गाइस अभी फटाफट से गाइस मैं जो ना गाइस इन दोनों लेग्स को तो गाइस यहाँ पे आपस में कनेक्ट करेगा। इसकी जो गाइस मैं पूरी की पूरी पैंट्स को गाइस यहाँ पे जो कंप्लीट कर देता हूँ। देन गाइस इसके बाद गाइस मैं जो ना अपने यहाँ पे हुडी को बनाना गाइस यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, जो गाइस यहाँ पे लाइम ग्रीन कलर के। देन इसके बाद मैं जो गाइस यहां पे अपना हेड को बनाऊंगा। एंड गाइस इसके हाथ में मैं जो ना गाइस एक प्रॉपर प्योर डायमंड की स्वॉर्ड को भी यहां पे होल्ड करवाने वाला हूं। फाइनली गाइस अभी मैंने यहां पे गाइस अपने स्टैचू की पैंट्स को तो फिलहाल के लिए कंप्लीट कर दिया। गाइस अभी मैं जो ना इसके यहां पे हुडी को बना रहा हूं, जो गाइस है यहां पे लाइम ग्रीन कलर की। देन गाइस इसके बाद मैं जो ना गाइस अपने यहां पे हुडी के गाइस फ्रंट साइड में गाइस जो इतनी सारी डिटेल्स हैं, गाइस जो इसके यहां पे बैक में एक क्रीपर का यहां पे निशान है उसको भी यहां पे बनाने वाला हूं। फटाफट से पहले मैं जो ना पूरे के पूरे एरिया में यहां पे ग्रीन वूल को लगा देता, देन गाइस उसके बाद मैं इसमें यहां पे डिटेलिंग ऐड करूंगा। तो गाइस फाइनली अभी मैंने गाइस इसके जो यहां पे फ्रंट साइड में पूरी के पूरी यहाँ पे लाइम ग्रीन कलर की वूल को लगा दिया। एंड गाइस ये जो प्रॉपर मेरी यहाँ पे स्किन से अभी मैच कर रहा है। तो गाइस फाइनली अभी मैंने गाइस अपने यहाँ पे स्टैचू को फ्रंट साइड से तो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। एंड गाइस अभी मेरे को जो ना गाइस इस वाले स्टैचू में काफी ज्यादा डिटेलिंग्स वगैरह को ऐड करना है। देन गाइस मैं जो गाइस अपने यहाँ पे हैंड्स को बनाना स्टार्ट करूंगा। एंड गाइस इसके बाद गाइस मैं जो अपने हाथ में गाइस एक प्रॉपर डायमंड की स्वॉर्ड को भी एक बड़ी सी स्वॉर्ड गाइस मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, जो गाइस देखने में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अच्छी लगने वाली। तो गाइस फटाफट से पहले मैं जो है पूरे के पूरे स्टैचू को कंप्लीट करता हूँ, देन गाइस उसके बाद इसका मैं यहाँ पे मेन हेड को यहाँ पे बनाऊंगा। A
few inches later. Finally guys, अभी मैंने guys अपने वाले statue में guys काफी ज़्यादा detailings वगैरह add कर दिया guys. अभी ये जो ना guys proper मेरी यहाँ से skin से अभी match कर रहा है. And guys अभी मैं जो ना इस वाले statue का चारों तरफ से guys पहले यहाँ पे complete करूँगा. And guys उसके बाद मैं जो इसके यहाँ पे hands को बनाऊँगा. Then guys इसके बाद मैं इसके यहाँ पे main face को बनाने वाला हूँ. तो अभी गाइस फटाफट से मैं जो ना गाइस इसके यहाँ पे बैक साइड को भी यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूं गाइस. यहाँ पे वूल लगा के देन गाइस इसके बाद गाइस मैं जो इसके यहाँ पे हैंड को बनाने वाला हूँ. देन गाइस इसके बाद मैं इसका फेस एंड का सबसे लास्ट में इसके हाथ में गाइस मैं एक प्योर डायमंड की स्वॉर्ड को भी यहाँ पे होल्ड करवाने वाला हूँ. One eternity later. तो फाइनली गाइस मैंने जो गाइस पूरे के पूरे स्टैचू का यहाँ पे हैंड्स को भी बना दिया. गाइस इसको देखो, अरे देखने में कितना ज्यादा यहाँ पे रियलिस्टिक सा लग रहा है. तो गाइस अभी मेरा स्टैचू का लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. गाइस अभी बस गाइस मेरे को जो इसमें यहाँ पे अपना मेन हेड को बनाना है. देन गाइस ये जो ना प्रॉपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. तो फटाफट से मैं जो ना उसके यहाँ पे हेड को भी बना देता हूँ. One eternity later. Finally guys, काफी ज्यादा देर तक guys continuously guys इस वाले स्टैचू को बिल्ड करने के बाद guys मैंने जो फाइनली अपने पूरे के पूरे स्टैचू को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया. एंड guys अभी मैं आपको जो ना ये वाला स्टैचू यहाँ पे दिखाने वाला हूँ. तो guys 1, 2 and 3 तो guys let's go guys. तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ guys. ये देखो बात है guys, मैंने अपने पूरे का पूरे स्टैचू को guys यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है. एंड guys ये जो प्रॉपर guys मेरी यहाँ पे स्किन से मैच कर रहा है. एंड guys ये जो ना देखने बात है काफी ज्यादा यहाँ पे तगड़ा लग रहा है. एंड guys इसको जो ना guys मैंने किसी ऐसा बनाया जैसे guys ऐसा लग रहा है guys मैंने जो ना यहाँ पे हीरो ब्रांड के हेड के ऊपर यहाँ पे अपनी एक लेग को रखा हुआ है. तो guys आप जो ना guys एक बार guys इस वाले स्टैचू को देखो भाई साहब कितना ज्यादा guys ये जो रियलिस्टिक लग रहा है. guys प्रॉपर मेरी यहाँ पे स्किन से जो मैच कर रहा है. एंड guys इसके जो guys मैंने हुडी है ना guys इसको guys थोड़ा guys मैंने इसको जो यहाँ पे 3D लुक देने की यहाँ पे कोशिश करी है जो गाइस काफी ज्यादा यहाँ पे सही लग रही है. एंड गाइस अभी मैं जो ना गाइस इसके गाइस ये वाले हैंड पे गाइस देखो ये वाले हैंड पे गाइस मैं एक प्रॉपर यहाँ पे एक डायमंड ब्लॉक का यूज करेगा एक बड़ी सी स्वॉर्ड को यहाँ पे बनाने वाला हूँ. तो गाइस अभी हमारा स्टैचू गाइस यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है. गाइस अभी मैं जो ना इसके हाथ में गाइस बड़ी सी डायमंड स्वॉर्ड को यहाँ पे होल्ड करवाने वाला हूँ. जिसके लिए गाइस मैं जो अपने यहाँ पे ये वाले डायमंड का यूज करने वाला हूँ जो कि गाइस मेरे को जो यहाँ पे 8 hours की माइनिंग पे मिला था. एंड गाइस अभी मेरे को जो ना गाइस यहाँ पे एक स्वॉर्ड का फ्रेम को भी बनाना पड़ेगा. देन गाइस उसके बाद मैं जो इसके अंदर यहाँ पे डायमंड को लगाना स्टार्ट करूंगा. तो गाइस फटाफट से मैं जो ना गाइस यहाँ पे एक स्वॉर्ड का फ्रेम को यहाँ पे रेडी कर देता हूँ. देन गाइस उसके बाद यहाँ पे मैं डायमंड ब्लॉक्स को लगाना स्टार्ट करूंगा. तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने गाइस एक स्वॉर्ड को भी बना दिया. गाइस इसको देखो वैसे भी देखने में कितना ज्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है. इसको जो ना गाइस मैंने अभी यहाँ पे फ्रेम को बनाया इसके अंदर गाइस मैंने जो यहाँ पे डायमंड को नहीं लगाया. गाइस अभी मैं जो ना इसके अंदर गाइस यहाँ पे डायमंड को लगाना स्टार्ट करने वाला हूँ. गाइस उसके बाद इसकी लुक देख रहा हूँ भाई देखने में यहाँ पे कितना ज्यादा यहाँ पे तगड़ा लगने वाला है. तो गाइस अभी मैंने गाइस जितने भी यहाँ पे गाइस यहाँ पे एम्प्टी एरियाज छोड़े गाइस उसमें गाइस मैं प्रॉपर यहाँ पे डायमंड ब्लॉक्स को लगाने वाला हूँ जो गाइस इसकी लुक जो ना और भी ज्यादा अच्छी बना देंगे. इसमें जो ना काफी ज्यादा ब्लॉक्स का भी इस्तेमाल होगा. बट गाइस मेरे को जो ना काफी ज्यादा तो मेरे को लगता है प्रॉपर यहाँ पे हो जाएगा. एंड गाइस जहाँ पे कमी पड़ेगी वहाँ पे गाइस मैं जो ना थोड़े बहुत यहाँ पे जो सियान कंक्रीट को भी लगाने वाला हूँ. गाइस फटाफट से मैं जो ना पूरी की पूरी स्वॉर्ड को पहले यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ. A few moments later. Finally guys, हमारा guys पूरे का पूरा स्टैचू यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है. guys ये देखो भाई साहब देखने में कितना ज्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है. एंड guys अभी ये जो ना guys प्रॉपर यहाँ पे कंप्लीट हो गया. बस guys इसमें मैं जो ना guys थोड़ी बहुत यहाँ पे डिटेलिंग्स ऐड करूंगा. वो guys मैं यहाँ पे बाद में करने वाला हूँ. बट guys सबसे पहले guys मैं जो ना आपको यहाँ पे शाउट आउट देने वाला हूँ. तो guys आज का जो हमारा यहाँ पे पहला शाउट आउट जाता है guys वो जाता है हमारे यहाँ पे आर्यन अग्रहरि को जिनको guys यहाँ पे बनना था एक नेदरराइट इंगट. तो guys उनको जो ना guys यहाँ पे मैं नेदरराइट इंगट में शाउट आउट यहाँ पे मैंने दे दिया है. तो आर्यन भाई शाउट आउट टू यू. आज का जो हमारा यहाँ पे दूसरा शाउट आउट जाता है वो जाता है इन्हीं के छोटे भाई को जिनका नाम है गाइस यहाँ पे अंश अग्रहरि. तो अंश भाई शाउट आउट टू यू, आप बनते हो हमारे यहाँ पे बेक्ड पोटैटो. तो गाइस अभी मैं जो ना गाइस इन दोनों आइटम को गाइस यहाँ पे अपने होलो फ्रेम में भी लगा देता हूँ. तो भाई अंश भाई एंड गाइस आर्यन भाई आप लोगों गाइस हमारे आज के यहाँ पे शाउट आउट सब्सक्राइबर्स. गाइस अगर आप लोगों गाइस इसी तरीके से हमारे इस माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल सीरीज में गाइस अगर शाउट आउट चाहिए तो गाइस आप लोगों को करना कुछ नहीं है. गाइस आपको जाना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में. एंड गाइस वहां पे जाके अपना नेम एंड गाइस माइनक्राफ्ट का कोई भी आइटम को गाइस यहाँ पे नेम टाइप करके गाइस कमेंट कर देना. एंड आपको जो है नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पे शाउट आउट मिल जाएगा. तो अभी गाइस मैंने जो है अपने इस वाले स्टेज में थोड़ी बहुत यहाँ पे डिटेलिंग ऐड करी है. एंड गाइस इसके बाद देखो भाई साहब इस वाले स्टैचू की लुक भाई साहब और भी ज्यादा यहाँ पे तगड़ी हो गई है. फाइनली गाइस अभी मैंने यहाँ पे अपने पूरे के पूरे स्टैचू को कंप्लीट कर लिया. एंड गाइस इसके अंदर मैंने जो ना थोड़ी बहुत यहाँ पे जो डिटेलिंग सेट करी है जो गाइस देखो मैंने यहाँ पे रेड कंक्रीट की मदद से की है. एंड गाइस ऐसा गाइस मैंने कुछ इस टाइप से किया जैसे कि लगेगा मैंने जो गाइस यहाँ पे हीरो ब्रांड के हेड को गाइस काट के यहाँ पे अपने पैरों के नीचे यहाँ पे रख लिया है. एंड गाइस इसकी वजह से भाई साहब हमारे स्टैचू को लुक देखो भाई साहब कितना ज्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है. मैंने जो ना गाइस अपने यहाँ पे स्वॉर्ड से गाइस कुछ यहाँ पे ब्लड सा जैसे यहाँ पे टपक रहा है उस टाइप का कुछ यहाँ पे बनाने का ट्राई करिए जो गाइस देखने में काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है.
गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सब लोगों को ये वाली गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट से जाके यहाँ पे लाइक कर देना। एंड जो लोग भी चैनल पे न्यू हो तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस मुझे कमेंट करके बताना कि गाइस आपको मेरा ये जायंट स्टैचू भाई साहब कैसा लगा। एंड गाइस मेरे को जो है गाइस ये भी कमेंट करके बताना कि गाइस आपको जो है गाइस इस वाले स्टैचू में और कौन कौन से गाइस मैं जो यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ जिसकी वजह से गाइस ये जो है गाइस और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़िया लगेगा। बट गाइस अभी भी ये जो है भाई साहब देखने में बहुत ही ज्यादा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। तो गाइस मेरे को जरूर से कमेंट करके बताना गाइस मेरे को जो है आने वाले एपिसोड में गाइस और भी क्या क्या यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा। एंड गाइस थैंक्स फॉर गाइस 50 एपिसोड गाइस फाइनली हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। काफी ज्यादा मजा है इस वाली जर्नी में। एंड गाइस आगे भी जो है इसी तरीके का सपोर्ट जो आप लोग यहाँ पे बनाए रखना। तो बस आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, बाकी मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।